नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं कक्षा 8 का, बिहार बोर्ड का, ये कक्षा 8 का हमारी दुनिया बुक है। हमारी दुनिया यानी भूगोल का बुक है। हम इसमें भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे ये क्या है संसाधन, और इकाई 1 है। आपके पास भी बुक होगा, आप इस बुक से पढ़ेंगे। मैं आपको बारी बारी से इसको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि क्या कुछ है इस अध्याय में। चूंकि ये अध्याय बड़ा है इसलिए मैं इसे दो भागों में बनाऊंगा। तो आप अगर ये भाग देख रहे हैं तो इसके बाद वाला भी भाग देखेंगे, और अगर बाद वाला देखे हैं तो इसको आके ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले है संसाधन। संसाधन किसको कहते हैं? हम मनुष्य जो जीते हैं, जिन जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं अपने जीवन को जीने में, या अपने जीवन को जीने में सुलभ बनाने के लिए हम जिन जिन चीज़ों का, जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं? संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन के कई प्रकार हैं। आज के इस कक्षा में हम लोग सीखेंगे कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनका हम लोग किस किस तरह से उपयोग करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, आप हमारे उस चैनल को विजिट करें तो आप वहाँ से इस 8 क्लास का इंग्लिश भी सीख लेंगे और ट्रांसलेशन और ग्रामर भी आप वहाँ से पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखिए संसाधन क्या है। मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत इस बार शिक्षक ने बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम बनाया। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कहीं न कहीं भ्रमण के लिए यानी घूमने के लिए ले जाने की व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों की सहमति से 2 दिवसीय यानी 2 दिन का भ्रमण मतलब घूमने का कार्यक्रम बनाया। नियत समय पर यानी निश्चित समय पर सभी बच्चे बस पर सवार हुए और चल पड़े अपनी मंजिल की ओर, जहां उनका जाना होगा, जहां उनके शिक्षकों द्वारा जाने का कार्यक्रम बनाया गया है वहां के लिए वो निकल पड़े। रास्ते में मिलने वाले खेत, पेड़, पौधे, पहाड़ सभी पीछे छूटते जा रहे थे। जब हम सफ़र पे चलते हैं तो हम सफ़र में आगे बढ़ते हैं, तो जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही हमारा सफ़र पीछे बीतता चला जाता है। तो उसमें क्या हो रहा था, खेत, पेड़, पौधे, पहाड़ जो भी थे वो पीछे निकलते जा रहे थे और हम लोग रास्ते से आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में बोर्ड पर सलमा की नज़र पड़ी, उस पर लिखा था संसाधन हमारे धरोहर हैं। जब आप मुख्य सड़कों से गुजरते हैं तो मुख्य सड़कों के किनारे बैनर पोस्टर लगे होते हैं जो जिसमें कुछ ना कुछ स्लोगन लिखा होता है। इससे पहले आप क्लास 7 का हमारी दुनिया बुक पढ़े होंगे तो भी आप उसमें इन चीज़ों को पढ़े होंगे। तो उस बैनर में क्या लिखा था, संसाधन हमारे धरोहर हैं। संसाधन मतलब हम जिन चीज़ों को जीने में उपयोग करते हैं, और धरोहर मतलब जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है उसको हम धरोहर बोलते हैं, इनकी रक्षा करें। तो उन धरोहरों का, संसाधन का जो धरोहर है जो हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है, उन धरोहरों की रक्षा करने का स्लोगन लिखा हुआ था। सलमा सोचने लगी संसाधन क्या होता है। अब सलमा नाम की कोई बच्ची है जो ये पढ़ के उसको संसाधन समझ में नहीं आया तो वो परेशान हो गई। उसने बगल में बैठे गोविंद से पूछा, गोविंद नाम का कोई दूसरा लड़का है जो उसके बगल में बैठा था, यह संसाधन क्या होता है। तो गोविंद ने कहा, मानव अपने जीवन में कई प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करता है, इन वस्तुओं का उपयोग कर वह
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा नए नए संसाधनों व तकनीकों की खोज के लिए प्रयत्नशील रहता है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मानव जीवन जीने के लिए अनेक तरह के संसाधनों का उपयोग करते हैं। हम जितने भी तरह के चीज़ों का उपयोग करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए और जीवन जीने में सरल बनाने के लिए, जितने भी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं वो सभी हमारे क्या हैं, संसाधन हैं। और उन संसाधनों का उपयोग करने के लिए, उन संसाधनों को और सरल बनाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं, यानी उसमें हम लगे रहते हैं, उस चीज़ को करते रहते हैं और अधिक से अधिक सुलभ तरीके को अपनाते रहते हैं। इसलिए आरंभ में मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति या प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर करता था। क्या था, जिस समय हम लोग इस धरती पर आए, मानव का इस धरती पर जन्म हुआ या फिर मानव का विकास हुआ, तो उस समय हम प्रकृति के द्वारा जो चीज़ हमें प्राप्त था हम उन्हीं पर निर्भर थे। लेकिन हम धीरे धीरे जीवन जीने के अपने संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया और धीरे धीरे आविष्कार को करना शुरू किया और प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का हमने अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का कार्य स्टार्ट कर दिया। सपोज कीजिए कि जब इस पृथ्वी पर मानव आया था तो उस समय घर नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, शिकार करने के लिए हथियार नहीं था। लेकिन हमने घर कहाँ से बनाना सीखा, कपड़े कहाँ से बनाना सीखा, हथियार कहाँ से बनाना सीखा, आग को कैसे लगाया, कैसे जलाया, आग का आविष्कार कैसे किया, इन सब चीज़ों को मैंने कहाँ से प्राप्त किया, इसी प्रकृति से प्राप्त किया। अगर आप आग जलाते हैं तो इसी प्रकृति की देन है कि आपको उसने ऑक्सीजन दिया है और आपको जलने योग्य कुछ वस्तुएं दी है जिसका उपयोग करके आप उसको जलाते हैं तो आग जलता है। आप कपड़ा कहाँ से पहनते हैं, आप इसी प्रकृति से कपड़े को तैयार करते हैं। जो कुछ भी आप संसाधन यूज करते हैं, ये जो पेपर है, ये जो पेंसिल है, ये जो मोबाइल है, ये आप कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से जो आपको मिला है उसी से आप कुछ ना कुछ बना के अपने काम के लायक उसको बना के उसका उपयोग करते हैं। तो शुरुआती समय में हम सिर्फ प्रकृति के द्वारा प्राप्त चीज़ों से ही हम जीते थे, लेकिन उसके बाद क्या किए, हमने वृक्षों से लकड़ी काट के और लकड़ी से फर्नीचर बना के और फिर मिट्टी को पका के ईंट बना के और फिर सीमेंट का निर्माण करके और फिर हम घर बनाने लगे। तो ये सभी क्या हैं, हमारे संसाधन हैं, लेकिन प्राप्त कहाँ से हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं इसी प्रकृति से। प्रकृति मतलब इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपको पहले से मौजूद है, जल है, जमीन है और वायु है, इसी से आप सब कुछ प्राप्त करते हैं। अगर आपके घर में गैस चूल्हा जलता है तो आप इसी प्रकृति से गैस प्राप्त करते हैं। अगर आपके घर में बिजली जलती है तो आप इसी प्रकृति से कहीं कोयला तो कहीं परमाणु तो कहीं जनरेटर, डीजल, ये सब क्या है, सभी तो हम प्रकृति से लेते हैं लेकिन उसको हम अपने हिसाब से बनाए हैं, अपने ज़रूरत के लायक उसको हम बना के इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हम क्या करते थे, प्रकृति के द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को हम लेके जीते थे, प्रकृति के द्वारा जो गाछ वृक्ष पेड़ पौधे फल हमको मिलते थे उसको हम खाते थे, या फिर प्रकृति के द्वारा ही दूसरे जीव जो थे उनको मार के हम खाते थे। हमने जो हथियार का निर्माण किया तो पहले हमने पत्थरों से हथियार को बनाया, वो पत्थर क्या है, प्रकृति के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। अभी हम बहुत तरह तरह के हथियार बनाते हैं तो कहाँ से बनाते हैं, जो कुछ भी मटेरियल लेते हैं हम उसी प्रकृति से संशोधित करके उसको परिवर्तित करके, लेकिन हम बनाते किससे हैं, इसी प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं से हम उसको निर्मित करते हैं। समय के साथ मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तन आता गया, इसके कारण मानव प्रकृति
भौतिक वस्तुओं को संशोधित कर उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुकूल बनाने लगा। मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। क्या हो गया, जितना भी इस पृथ्वी पर जो कुछ भी आपके पास है और जिन किसी चीज़ों का आप उपयोग करते हैं वो क्या है, संसाधन है। भूमि, जल, वायु, मिट्टी, विद्यालय भवन, पंचायत भवन, खनिज पदार्थ, खेत, तालाब इत्यादि सभी संसाधन हैं। सलमा बीच में बोल पड़ी, तब तो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। गोविंद बोला, हाँ सभी प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं तथा स्वयं मानव भी संसाधन हैं। अब देखिए, आपको लगेगा कि मानव संसाधन कैसे है। मानव संसाधन इस रूप में है कि अगर एक ही मानव हो तो क्या वो जी सकता है। मानव को, एक मानव के पास अपने दुख को, अपने सुख को व्यक्त करने के लिए एक मानव की आवश्यकता है। जिंदगी जीने के लिए एक मानव की आवश्यकता है, और अगर ये मानव नहीं हो तो हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे। तो इसलिए वो भी हमारा एक संसाधन है। हम अपने दुखों को किसके साथ बांटते हैं, वो भी हमारे संसाधन है। इसे ऐसे भी समझ सकती हो कि जब किसी भवन का निर्माण किया जाता है तो इसके लिए उपयुक्त भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे और मजदूर इत्यादि की जरूरत पड़ती है। इनमें कुछ साधन प्राकृतिक होते हैं तो कुछ मानव निर्मित। इनमें मजदूर के रूप में मानवीय श्रम का भी उपयोग किया जाता है, अतएव ये सभी संसाधन हैं। क्या हो गया, इससे पहले मैंने आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अब इसको और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। अब देखिए, संसाधन की उपयोगिता, इन संसाधनों का हम उपयोग कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। गाड़ी एक नदी के किनारे रुकी, जिस गाड़ी से बच्चे सफर कर रहे थे वो एक नदी किनारे रुकी। शिक्षक महोदय ने कहा, बच्चों यहाँ हम लोग अल्पाहार लेंगे। अल्पाहार किसको बोलते हैं, थोड़ा भोजन को अल्पाहार बोला जाता है। नदी का किनारा काफ़ी चौड़ा था, पानी बीच में बह रहा था, दोनों ओर बालू ही बालू थे। कुछ बच्चे बालू पर दौड़ लगाने लगे तो कुछ पानी की ओर दौड़ पड़े। सलमा ने सोचा, यहाँ तो रेत ही रेत है। परंतु शहर में तो गाड़ी से रेत ले जाना पड़ता है, वहाँ कोई वहाँ से फैलाकर खेलने भी नहीं देता है, ऐसा क्यों। सलमा के दिमाग में संसाधन संबंधी प्रश्न कौंध रहे थे। वह सोच रही थी कि गोविंद के हिसाब से तो संसाधन मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके विपरीत इसके विविध उपयोग हैं, इसलिए उपयोग के अनुसार इसकी मांग व मूल्य में भी उतार में भी अंतर आ जाता है। जैसे जंगल से काट कर लाई गई लकड़ियों के रूप में परिवर्तन लाकर विभिन्न उपयोगी वस्तुएं जैसे खटिया, पलंग, कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे इत्यादि बनाई जाती है। क्या होता है कि सलमा नदी के किनारे जब गाड़ी रुकती है तो सलमा देखती है कि नदी के दोनों साइड रेत ही रेत हैं, यानी बालू ही बालू है, और कुछ बच्चे उन बालू पे दौड़ने लगते हैं तो कुछ पानी की ओर दौड़ते हैं। तो सलमा को लगता है कि यहाँ तो फ्री में बच्चे उस बालू पे खेल रहे हैं, लेकिन शहर में तो उन बालू को कोई छूने तक नहीं देता है। तो संसाधनों का जिस तरह से उपयोग होता है उस तरह से संसाधनों का मूल्य भी बढ़ जाता है, उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। जैसे आप जंगल से लकड़ी को काटते हैं, एक पेड़ को काट के जब आप उसको लकड़ी का रूप देते हैं, उसके बाद उससे जब फर्नीचर बनाते हैं तो उस फर्नीचर का जो कीमत होता है उस पेड़ से अधिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो परिवर्तित होके उसमें श्रम लग के
और भी उसमें दूसरे कार्यों को करके उसको बनाया गया है, तो इसलिए वो क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से महंगी होती है। इससे लकड़ी के उपयोग एवं मूल्य दोनों में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार तो सभी संसाधन उपयोगी व मूल्यवान होते हैं, सभी उपलब्ध वस्तुएं संसाधन होते हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि कोई भी वस्तु संसाधन तभी बनता है जब उसका कोई उपयोग अथवा मूल्य होता है। संसाधन क्या हैं? अभी आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जिस मिट्टी पर आप रह रहे हैं, आपको उसका कोई मोल समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप किसी गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी खोजने जाते हैं तो आपको फिर उस मिट्टी का कीमत देना होता है। आप जो देखते होंगे ईंट बनाने वाला, जो चिमनी भट्टा वाला है, उस वो जब ईंट बनाने के लिए मिट्टी को खरीदता है तो उसको उस मिट्टी का भी कीमत देना पड़ता है। और ऐसे आप अपने घर के पास मिट्टी ऐसे ही देखते हैं, उसका आपको कोई कीमत नज़र नहीं आता है। तो हर एक वस्तु जिसका आप उपयोग करते हैं, वो उपयोग के हिसाब से, जिस हिसाब से आप उसका उपयोग करते हैं, उस हिसाब से उसका कीमत बढ़ जाता है। उसने अपने मन की बात अपने मित्र अंशु को बताई। अंशु ने कहा, मेरे विचार से संसाधनों का उपयोग मानव जीवन को सुगम व सहज बनाने के साथ ही साथ क्षेत्र एवं देश के विकास के लिए भी किया जाता है। इसलिए किसी भी देश के विकास में संसाधनों का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। संसाधनों के बिना विकास संभव नहीं है। संसाधन किसी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। हम सभी प्रतिदिन कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग कर अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। क्या कहा कि संसाधन जो हैं वो देश के विकास के लिए भी संसाधन उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। संसाधनों के मूल्य अभिव्यक्ति के प्रमुख तरीके, संसाधनों का जो मूल्य है उसको व्यक्त करने का जो तरीका है वो क्या है, आर्थिक रूप से लकड़ी से फर्नीचर बनाना, ये क्या है, उसका मूल्य वृद्धि हो जाता है। सौंदर्यात्मक मूल्य, जलप्रपात को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना। आपने झरने का नाम सुना होगा या फिर कुछ बच्चे झरने देखे होंगे, तो जहाँ पे झरने हैं वो तो प्रकृति के द्वारा जल स्वतः पहाड़ों से गिर रहा है, लेकिन उसको सौंदर्य रूप देके और वहाँ से पर्यटकों को आकर्षित करके उस प्राकृतिक संसाधन से हम अर्थ का उपार्जन कर लेते हैं। कानूनी मूल्य, जल एवं वायु प्रदूषण को रोकना। जल और वायु को प्रदूषित होने से रोकने के लिए कानूनी मूल्य है वो। नैतिक मूल्य, संसाधनों को संरक्षित रखना। ये मानव का नैतिक मूल्य है कि हम अपने संसाधनों को सुरक्षित रखें। सलमा ने पूछा, अंशु इन संसाधनों को हमारे लिए बनाता कौन है? क्या ये खुद बनते हैं या फिर इन्हें बनाया जाता है? अंशु ने कहा, हम किसी भी चीज़ को अपनी आवश्यकता अनुसार संसाधन के रूप दे देते हैं। जैसे नदी या मरुस्थल में पड़े बालू को जब वहाँ से उठाकर निर्माण कार्य हेतु गांव या शहर में लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। कहा जाता है कि संसाधन होते भी हैं और मानवीय जरूरतों के अनुसार निर्मित भी किए जाते हैं। अब देखिए, ये पूछती है कि संसाधन आते कहाँ से हैं। अब संसाधन नदी का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि नदी में जो बालू है उससे हम घर का निर्माण करते हैं, तो जब हम उस बालू को निकाल के और शहरों और गांव तक लाते हैं तो फिर वो हमारे लिए संसाधन होता है और संसाधनों के साथ उसका मूल्य बढ़ जाता है। और कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिसको हम निर्मित करते हैं, जैसे कि पहाड़ को फोड़ के छोटे छोटे गिट्टी के रूप में परिवर्तित करके और फिर हम उससे क्या करते हैं, घर का ढलैया करते हैं, घर में पिल्लर जो लगाते हैं उसमें हम उस गिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो गिट्टी हमें प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन प्रकृति से हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको पत्थर तो प्रकृति से प्राप्त हुआ है। हमने उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के और उसको गिट्टी के रूप में बनाया और फिर हमने उसका उपयोग किया। सीमेंट में हम क्या करते हैं, बालू, कोयला और मिट्टी का उपयोग करके हम सीमेंट को बनाते हैं। तो
सीमेंट बनाने के लिए हमको मिट्टी चाहिए, हमको पत्थर चाहिए और फिर हमको कोयला चाहिए, तभी हम उस सीमेंट को बना पाते हैं। तो कुछ चीज हैं जो प्रकृति का सीधा यूज कर लेते हैं, कुछ चीज है जो कि प्रकृति से ही हम बना के फिर उसको नए रूप में परिवर्तित करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। संसाधन के प्रकार, अब ये जो संसाधन है इसके भी कई प्रकार हैं, तो कौन कौन से प्रकार हैं आगे देखेंगे। शिक्षक ने बच्चों को गाड़ी पर बैठने का निर्देश दिया, जानबूझकर सलमा इस बार अंशु के पास बैठी ताकि वह और अधिक जानकारी पा सके। बस थोड़ी देर चली तो सलमा ने पूछा, अंशु क्या सभी संसाधन को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं? अंशु ने कहा, संसाधन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सलमा ने क्या पूछा अंशु से कि क्या संसाधनों को हम एक ही श्रेणी में रख सकते हैं या फिर संसाधनों को अलग अलग श्रेणी में बांटा जा सकता है? तो संसाधनों के तीन श्रेणी में संसाधनों को बांटा गया है। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो प्रकृति से प्राप्त होता है। दूसरा क्या है? मानव संसाधन, जो मानव उसको बनाता है या फिर मानव का जो सहयोग होता है वो मानव संसाधन हुआ। और फिर मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या हो गया कि पत्थर को फोड़ के गिट्टी बनाना, मिट्टी को पानी देके गूथ के उसको एक फर्मा में डाल के ईंट बना के और फिर उसको पका के जो ईंट तैयार किया गया वो क्या हो गया? वो मानव निर्मित हो गया। पेड़ काट के उसकी लकड़ी का तख्ता बना के और उसके बाद फिर उसका फर्नीचर बनाना, ये क्या हो गया? मानव निर्मित हो गया। तो प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से संसाधन है? देखिए, प्रकृति से प्राप्त जितने भी चीज हैं वो सब क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं, जिसको हम सीधा उपयोग में ले आते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन हैं। इस दृष्टि से भूमि, मिट्टी, जल, छोटे बड़े जीव, वन, पवन, सूर्य का प्रकाश, समुद्री जल इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल से उपयोग में लाता है। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, दलदली भूमि सभी शामिल हैं। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, लाल, काली एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियां शामिल हैं। जल के अंतर्गत नदी, झील, तालाब, सागर एवं महासागर इत्यादि शामिल हैं। और वनस्पति के अंतर्गत सभी प्रकार के घास, पेड़ पौधे एवं झाड़ियां शामिल हैं। इसी प्रकार जैविक संसाधन के अंतर्गत सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े बड़े जीव जंतु शामिल हैं। खनिज संसाधन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ जैसे लोहा, अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि सभी क्या हैं? खनिज हैं। खनिज किसको बोलते हैं? इस भूमि के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी रूप में उपयोग करते हैं, वो सभी क्या हैं? वो खनिज हैं। जीव जंतु जितने भी हैं वो सभी क्या हैं? वो जैविक हैं। वनस्पति, जितने भी तरह के पेड़ पौधे, घास जो भी हैं वो सभी क्या हैं? वो वनस्पति संसाधन है जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जल, नदी का जल हो, झील का जल हो, तालाब का झील हो, जल हो, सागर का हो, महासागर का हो, या आपके जमीन के अंदर जो आप चापाकल से या फिर कुएं से जो जल प्राप्त करते हैं वो सभी क्या हैं? वो जल संसाधन हैं हमारे। मिट्टी, जिस भी तरह का मिट्टी आप पूरे बिहार प्रदेश में या इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आप जहां कहीं भी हैं, वहां की जो मिट्टी है वो क्या है? आपका मिट्टी का संसाधन है। भूमि, जिस तरह का भूमि है, पर्वत वाला भूमि है, पठार वाला भूमि है, या मैदान वाला है, या मरुस्थल है, या दलदली है, जिस भी तरह का है वो सभी क्या है? आपके संसाधन हैं। मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है, अतएव राष्ट्र के विकास में उपयोगी योगदान देने के लिए मानव का शिक्षित होना जरूरी है। क्या कह रहा है देखिए,
मानव के अंदर दिमागी क्षमता का विकास शिक्षा के स्तर से प्रभावित होता है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आप विकसित नहीं हो सकते हैं, आपका विकास नहीं हो सकता है, और आप जब विकास करेंगे तभी आपका राष्ट्र विकास करेगा, यानी आपका देश विकास करेगा। तो पढ़ाई करना सबसे महत्वपूर्ण चीज है मनुष्य के लिए। देखिए, सलमा ध्यानपूर्वक अंशु की बातें सुन रही थी। अंशु ने आगे कहा, अब देखिए ये जो चित्र दिया गया है, ये प्राकृतिक प्रदेश पर्वत, ये पर्वत वाला जो प्रदेश है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है। प्राकृतिक प्रदेश पठार, ये जो पठारी भूमि है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमको प्रकृति से प्राप्त हुआ है, यानी भगवान के द्वारा दिया गया ये चीज है ना। प्राकृतिक प्रदेश मैदान, मैदानी भाग जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये हमको भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है। अब देखिए, मानव संसाधन, मानव संसाधन में कौन से आते हैं? मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। क्या करता है? संसाधन का निर्माण भी करता है, मतलब हम ईंट भी बनाते हैं, सीमेंट भी बनाते हैं, और उस ईंट और सीमेंट का उपयोग भी करते हैं। हम लकड़ी से फर्नीचर भी बनाते हैं और उस फर्नीचर का हम ही उपयोग भी करते हैं। खनिज तेलों से हम गाड़ी को चलाते हैं और उस गाड़ी का उपयोग भी हम ही करते हैं। मानव में संसाधनों के निर्माण एवं उपयोग की यह क्षमता उसके दिमागी एवं शारीरिक क्षमता तथा कौशल से विकसित होती है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, हम नए नए तौर तरीकों को अपनाएंगे नहीं, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे नए चीज़ों को प्राप्त करेंगे? तो इसके लिए हमको शारीरिक और दिमागी रूप से हमको विकसित होना जरूरी है। जिस प्रदेश या देश की जनसंख्या में शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होते हैं, वहाँ मानव निर्मित आधुनिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है। क्या होता है? जहाँ के लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, शारीरिक श्रम के बजाय वो तकनीकी उपकरणों पर अधिक ध्यान देते हैं, तो वो क्या होता है, वो अधिक आधुनिक संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं। अकुशल जनसंख्या वाले क्षेत्र इस दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं, मतलब जहाँ का लोग, जहाँ की जनसंख्या, जहाँ के रहने वाले अधिक मात्रा में हैं और वो अपने मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को आधुनिक नहीं बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देशों के पिछड़े होने का यही मुख्य कारण माना जाता है कि वो क्या करते हैं, वो संसाधनों को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, संसाधनों के नए तौर तरीकों को नहीं खोजते हैं और उससे नए निर्माण को नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से वो पिछड़े होते हैं। अब देखिए, मानव निर्मित संसाधन, मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुण में परिवर्तन लाकर करता है, जैसे मकान, कार्यालय भवन, पंचायत भवन, विद्यालय भवन, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि मानव निर्मित संसाधन के रूप हैं। अब देखिए, मानव ने क्या किया, इसी मिट्टी से ईंट बनाया, इसी मिट्टी से सीमेंट बनाया, इसी मिट्टी से उस लोहा बनाया, इसी धरती से मिलने वाले खनिज से उसने सारी चीज को बनाता है। लेकिन जब वो बना लेता है, तो जब वो नए रूप में मकान को जब खड़ा कर दिया, हवाई अड्डे को बना लिया, रेल लाइन को बना लिया, रेल इंजन को बना लिया, तो वो क्या हो गया, वो मानव निर्मित हो गया। लेकिन बनाया किससे उसने, उसने उसी प्रकृति से प्राप्त संसाधन से उसने नए संसाधनों को बनाया। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? अब देखिए, अब बस जंगल के बीच से गुजर रही थी, चारों तरफ फैले हरे भरे वृक्ष एवं झाड़ियां काफी आकर्षक लग रही थी। बच्चों के आग्रह पर शिक्षक ने बस रुकवाया। गोविंद, सलमा एवं अंशु एक साथ नीचे उतरे और घूमने लगे। सलमा बोली, इतना सुंदर दृश्य है, चारों तरफ प्राकृतिक संसाधन है। गोविंद बोला, प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ये आधार हैं,
विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण और स्वामित्व। अब इस प्राकृतिक संसाधनों को किन भागों में बांटा गया? विकास एवं उपयोग मतलब किसी संसाधन का विकास करना और फिर उसका उपयोग करना। उत्पत्ति किसी भी चीज़ को बनाना। उपलब्धता वो संसाधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है। वितरण उसका किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह आना जाना होता है। स्वामित्व उस संसाधन पर किसका अधिकार होता है। तो हम लोग आगे इन चीज़ों को सीखेंगे। अब देखिए संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? भूमि है, मिट्टी है और जल है। मानव संसाधन क्या है? मानव है। मानवकृत संसाधन क्या है? मकान है, कार्यालय है, हवाई अड्डा है, मोबाइल है, टेलीविज़न है और भी बहुत सारे चीज़ हैं। अभी आप जितना चीज़ अपने जीवन जीने में उपयोग करते हैं वो सभी क्या हैं? मानव निर्मित ही हैं। उसमें से बहुत सारे हैं जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। आप जो कुछ भी खाते हैं, जो भी फल साग सब्जी आप उगाते हैं वो सभी क्या हैं? वो हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। लेकिन उन्हीं साग सब्जियों को जब फिर से हम बनाते हैं, दाल को बनाते हैं, चावल को बनाते हैं या फिर चिप्स को बनाते हैं या और भी तरह के चीज़ों को जब हम बनाते हैं तो वो फिर क्या हो जाता है? वो मानव निर्मित हो जाता है। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन क्या है? वास्तविक संसाधन क्या है? संभाव्य संसाधन इसको आगे सीखेंगे। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। फिर उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन है। वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर क्या है? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और स्थानिक संसाधन। मतलब जो हर एक जगह उपलब्ध होता है वो सर्वत्र संसाधन हो गया और स्थानिक जो खास जगह पे ही वो उपलब्ध होता है वो क्या हो गया? स्थानिक संसाधन हो गया। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पे क्या होता है? निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो इन सब बिंदुओं पर आगे हम लोग विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से इन संसाधनों को का वर्गीकृत किया गया है। अब देखिए विकास एवं उपयोग। शलमा बोली, भैया मैं इसे समझ नहीं पाई। ये विकास एवं उसका उपयोग, इसको शलमा समझ नहीं पाई। गोविंदा ने कहा, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में बांटा गया है। क्या है? विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को वास्तविक एवं संभाव्य संसाधनों में बांटा गया है। वास्तविक संसाधन किसको कहते हैं? उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा हमको प्राप्त हो, यानी वो हमको पता हो कि वो कितनी मात्रा में हमारे पास है, वो हो गया वास्तविक संसाधन। तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है। जिन संसाधनों का हम अभी उपयोग कर रहे हैं वो हमारे क्या हैं? वास्तविक संसाधन हैं। जिन संसाधनों के बारे में हमको पता है कि ये कितनी मात्रा में है वो हमारा वास्तविक संसाधन है। पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, ऑस्ट्रेलिया का सोना, झारखंड का अब्रक, मध्य प्रदेश का मैग्नीज एवं राजस्थान का तांबा इत्यादि इसके अच्छे उदाहरण हैं। इन सभी खनिजों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त है कि वो कितनी मात्रा में है और हम उनका अभी के समय में उपयोग कर रहे हैं। तो ये सभी संसाधन क्या हैं? हमारे वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनकी कुल मात्रा ज्ञात नहीं हो। संसाधन तो है लेकिन हमको उसकी कुल मात्रा का जानकारी प्राप्त नहीं है, तो हम उसको क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन। मतलब संभावित है कि वो संसाधन है लेकिन पता नहीं कितना है।
तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा होता है। मतलब संसाधन तो है लेकिन हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन में रखते हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में करने की संभावना होती है। केरल में मिलने वाला थोरियम तथा लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम संभाव्य संसाधनों के उदाहरण हैं। केरल में जो थोरियम है उसका हम अभी ना उपयोग कर रहे हैं और ना ही हमको इसकी मात्रा पता है, और यूरेनियम जो लद्दाख प्रदेश में पाया जाता है वो अभी हम ना उसकी मात्रा का हमको जानकारी प्राप्त है और ना ही हम इस यूरेनियम का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में हम इस थोरियम का और इस यूरेनियम का भी उपयोग कर पाने में सक्षम होंगे जब हम इन दोनों को मानव अपने बुद्धि विवेक से इसको अपने उपयोग के लायक बना लेगा, तो फिर ये हमारे वास्तविक संसाधनों की गिनती में आ जाएंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसकी मात्रा हमको नहीं प्राप्त है, तो हम इसको संभाव्य संसाधनों में रखते हैं। वर्षों पहले सूर्य की गर्मी, समुद्री लहरें, पवन तथा भूमि के अंदर प्राप्त व्याप्त ताप संभावित संसाधनों के उदाहरण थे, परंतु आज भारत के लिए ये सभी वास्तविक संसाधन हैं। क्या था? सूर्य की गर्मी और समुद्री लहरें, पवन, ये भूमि के अंदर व्याप्त जो भी संसाधन हैं वो सभी क्या थे? पहले संभाव्य संसाधन थे, लेकिन अब हमको उसकी मात्रा पता है और हम उसका उपयोग कर रहे हैं इस वर्तमान समय में, इसलिए वो क्या है, अभी हमारा वास्तविक संसाधन है। सलमा बोली, क्या उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधनों के भाग हैं? गोविंदा बोला, हाँ, इस आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में विभाजित करते हैं, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। जैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल हैं, जैसे पेड़ पौधे, वन जीव जंतु इत्यादि, जबकि सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन हैं। उदाहरण के रूप में खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील इत्यादि सभी क्या हैं? अजैव संसाधन हैं। और पेड़ पौधे जितने सजीव हैं वो सभी क्या हैं? जैव संसाधन हैं। अंशु ने कहा, उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन तथा कुछ प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या है? उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन। यानी हम जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं और फिर से वो संसाधन प्रकृति के द्वारा हमको मिल जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। कौन है? फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें एवं पवन, ऐसे ही नवीकरणीय संसाधन है जिसको कि हम यूज भी करते हैं और फिर से हमको वो प्राप्त भी हो जाता है, उसकी मात्रा कभी खत्म नहीं होनी है। और नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन हैं जिनके भंडार सीमित हैं तथा एक बार उपयोग में आने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। सभी प्रकार की खनिजों जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक इत्यादि और नवीकरणीय संसाधन हैं। और नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन जो कि हमको प्रकृति के द्वारा प्राप्त तो हुआ है लेकिन वो एक सीमित मात्रा में है, जब हम उसका उपयोग कर लेते हैं तो फिर उसको फिर से बनने में हजारों लाखों वर्ष लगते हैं, वो अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखे जाते हैं। जल एवं वन वैसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनके भंडार या पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आती है। यदि इन संसाधनों के प्रति मानव हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूर्ति में लग जाएंगे।
और नवीकरणीय संसाधन कौन है जिन जो कि उपयोग कर लेने के बाद हमें प्राप्त होने में बहुत दिन लग जाते हैं, लेकिन ये जो जल है और ये जो वन है, हम लकड़ी पेड़ को काट के लकड़ी बना लेते हैं तो पेड़ खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको फिर से लगाएंगे तो फिर से पेड़ हो जाएंगे। जल का उपयोग कर लेते हैं तो जल खत्म हो जाती है, लेकिन अगर हम जल को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे तो जल फिर से संचित हो जाएगा। तो ये जो है ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखे जा सकते हैं, लेकिन कब, जब मनुष्य इसको सुरक्षित रखने में सहयोग करे। तो आज के इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में इसके बाद के चैप्टर को इस चैप्टर में इसके बाद के जो भी पाठ्यक्रम दिए हुए हैं हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, हमको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगा और आपको भी एक बार इसको पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। तो आज के इस अध्याय को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं हम दूसरे दिन आपको इसी अध्याय के दूसरे भाग से।